फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, और मैं हूं आपका दोस्त और रियल स्टेट कंसल्टेंट नवीन सोलंकी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे गोदरेज ग्रुप के न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट गोदरेज सेरेनिटी के बारे में, जो साउथ ऑफ गुड़गांव सोना सेक्टर 33 में लोकेटेड है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्डर बैकग्राउंड के बारे में। सो एज वी नो, गोदरेज इज वन ऑफ द टॉप नॉच डेवलपर इन द मार्केट एंड इट इज रेनॉन फॉर देयर लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। अगर इसके अलावा हम इसकी लोकेशन एंड सराउंडिंग की बात करते हैं प्रोजेक्ट की, तो देर आर सम सर्टन रीजन जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी प्रीमियम है, ये लोकेशन काफ़ी प्रीमियम है। फर्स्ट रीज़न की इसकी जो कनेक्टिविटी है वो नेशनल हाईवे 248 इसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये बिल्कुल बैंग ऑन हाईवे का प्रोजेक्ट है, जिसमें अगर हम बात करें, ये जो बेसिकली रोड है इसे आप सोना रोड के नाम से भी जानते हैं, जो राजीव चौक से स्टार्ट करके और KMP तक जाता है। इस रोड पे अगर हम बात करें, यहाँ से जो प्रोजेक्ट का डिस्टेंस है वाटिका चौक से प्रोजेक्ट तक पहुँचने में अप्रॉक्सीमेटली 14 से 15 मिनट आपको लगते हैं, और जो डिस्टेंस वाइज अगर आप बात करें तो लगभग 14 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। पहले यहाँ पहुँचने में आपको जो है अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 मिनट लगते थे, बट जब से यहाँ पे एलिवेटेड फ्लाईओवर आपका जो है एक्टिव हो गया है इस्कॉन टेम्पल से लेके टिल द प्रोजेक्ट तक का, तो आपको हार्डली 14 से 15 मिनट लगेंगे। सेकेंडरी अगर हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट के दोनों साइड में, फ्रंट एंड बैक दोनों ही साइड में, आपको लश ग्रीन अरावलीज के व्यू देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको आगे और पीछे काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है, सनराइज सनसेट बहुत अच्छे व्यूज आपको देखने को मिलेंगे। थर्डली अगर हम बात करते हैं तो सोना इज नॉन फॉर एजुकेशनल हब। यहाँ पे आप देखेंगे GD गोयन का, रयान इंटरनेशनल, KR मंगलम, पाथवेज इंटरनेशनल, ये सारे स्कूल हैं जो काफ़ी टाइम से ऑपरेशनल है यहाँ पे, एंड काफी टाइम से आप ये मान के चलो सराउंडिंग के लोग जो है यहाँ पे एजुकेशन के पर्पज से आते हैं, इवन इंडिया और अब्रॉड से भी लोग यहाँ पे जो है वो आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपका जो है DMIC और KMP की, तो यहाँ से वॉक इन डिस्टेंस या कहोगे विद इन 2-3 किलोमीटर डिस्टेंस में आपको दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और KMP की कनेक्टिविटी मिल जाती है। KMP लगभग यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर पड़ता है और DMIC लगभग 2 से 3 किलोमीटर यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी मिलती है। तो आपको KMP के थ्रू कहीं जाना हो कुंडली साइड पे या फिर आपको मुंबई साइड पे जाना हो, तो ये रोड आपको जो है डेफिनेटली इजी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा देंगे। तो दीज आर सम सर्टेन रीजन जिसकी वजह से लोकेशन काफी प्रॉमिसिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट की बेहतर जानकारी के लिए मैं आपको ले चलता हूँ प्रोजेक्ट के मॉडल के ऊपर में। एज यू कैन सी, दिस इज द मॉडल ऑफ दिस प्रोजेक्ट, एंड ये जो है टोटल आपका 18.7 एकड़ का लैंड पैच है, जिसमें टोटल 12 टावर है। 7 टावर इसमें से गोदरेज नेचर प्लस में आपके आते हैं, एंड 5 टावर जो है वो सेरेनिटी के अंदर आता है। आपके जो 7 टावर हैं वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हैं, जिनके स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हैं, एंड जो सेरेनिटी है वो रिसेंटली लॉन्च टावर्स हैं। जो 5 टावर हैं उसमें से भी कंपनी ने जो है वो 3 टावर्स अभी ओपन किए हैं, 2 टावर्स उनके जो है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी का, इसमें जो आप सेंट्रलाइज देख रहे हैं, ये जो क्लब हाउस है ये लगभग 25,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, जिसमें 3 आपके स्विमिंग पूल्स हैं, एक आपका टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल है एक टॉडलर्स के लिए, और एक हाफ ओलंपिक साइज आपका जो है स्विमिंग पूल इसमें मिलेगा। इनडोर आउटडोर सभी तरह की आपको एमिनिटीज़ में मिल जाएगी। रेरा अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट है, 2 साइड ये कनेक्टिविटीज़ है, मेन रोड से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, साथ से एक रोड और निकलेगी KR मंगलम यूनिवर्सिटी के साथ से, उस रोड से भी आप इसको जो है वो इसकी कनेक्टिविटी आती है। यहाँ पे अगर हम पर फ्लोर की बात करते हैं, जैसे नंबर ऑफ टावर्स की मैंने बात की, तो यहाँ पे आपको जो है 12 टावर्स है, जिसमें अगर टावर हाइट्स की बात की जाए तो मिनिमम आपका जो है वो G+18 से लेकर के मैक्सिमम जो है G+24 तक के टावर्स हैं। अगर हम साइजेस की बात करें यहाँ पे, तो मिनिमम 2 BHK 1310 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है, एंड मैक्सिमम जो साइज़ है आपका 1996 का है, 3 BHK प्लस यूटिलिटी का, आपका 3 BHK प्लस सर्वेंट का। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा पर फ्लोर यूनिट्स की, तो यहाँ पे एक फ्लोर पे आपकी जो है वो
मिनिमम 3 यूनिट्स है एंड मैक्सिमम एक फ्लोर पे 6 यूनिट्स है जो अभी रिसेंटली टावर कंपनी ने लॉन्च किए हैं। इसके अंदर आपको जो है मिनिमम आपको एक फ्लोर पे 4 यूनिट मिलेंगे और मैक्सिमम जो है एक फ्लोर पे 6 यूनिट्स है। इसके अलावा कंपनी का जो है वो 5.5 एकड़ का इसमें लश ग्रीन एरिया है जिसके अंदर कंपनी ने काफ़ी सारे फ्रूट्स के हर्ब्स के प्लांटेशन जो है ट्रीज़ वगैरह यहाँ पे लगाने का प्रोविज़न है। एंड इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपका जो है बेसमेंट पार्किंग जैसे नॉर्मली आपकी रहती ही है, हर एक तरह की कैटेगरी के लिए आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ की चीज़ें आपको मिल जाएगी, जो आपके टीनेजर्स हैं उनके लिए भी चीज़ें मिल जाएंगी, देन उसके बाद में आपका जो आपके सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए मिल जाएगी, किड्स के लिए आपको एक्टिविटीज़ के लिए आपको जगह मिल जाएगी। एक चीज़ एडिशनल है यहाँ पे जो कि आजकल गोदरेज के सभी प्रोजेक्ट में देखने को मिल रही है, यहाँ पे CTM में टेक्नोलॉजी भी आपको देखने को मिल जाती है, CTMA3, जिससे कंपनी आपको जो है वो एयर प्योरीफायर आपको दे रही है। सेंट्रलाइज RO सिस्टम भी कंपनी आपको इसमें दे रही है, तो पानी आपका जो है वो ट्रीटेड होके ही आपके पास में आएगा और आपका जो है ड्रिंकेबल वाटर आपको 24 आवर्स की सप्लाई रहेगी। तो दीज आर सम फीचर्स। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधा इसके सैम्पल। ये आपका सबसे पहले मैं आपको जो है वो इसका सर्वेंट क्वार्टर शो कर रहा हूँ। ये आपका अटैच है किचन के साथ में, इसकी जो बालकनी के थ्रू आप जो है किचन में जा सकते हैं। मेन डोर की एंट्रेंस आपकी इस तरह की रहेगी जिस पे आपको टीक वुड का ये डोर मिलेगा। उसके बाद आपका ये लिविंग डाइनिंग आ जाता है, काफ़ी ह्यूज आपका लिविंग डाइनिंग है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी ये किचन आ जाती है, किचन के साथ में यूटिलिटी बालकनी भी है आपका। और राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो साथ में आपको बालकनीज मिल जाएंगी, काफ़ी बड़ी बालकनीज है, 5 फुट की बालकनीज हैं आपकी। नीचे आपको फ्लोर पे विट्रीफाइल टाइल्स देखने को मिलेंगी, किचन में भी आपको जो है 2 फुट की हाइट तक काउंटर के ऊपर जो है टाइल्स मिल जाएंगी, बाकी जो नॉर्मल किचन रहता है वैसा किचन आपको मिलेगा इसमें। फ्लैट में सनलाइट की ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सैम्पल फ्लैट है तो दैट्स वाई इन्होंने लाइट्स वगैरह ऑन की हुई है, थोड़ा सा इंटीरियर भी किया हुआ है इन्होंने अपने हिसाब से, आपको एकदम रॉ फ्लैट ये मिलेगा। सेम आपको जो है वॉल्स पे फिनिशिंग वाली ये मिलेगी, वॉल्स पे एग्जैक्ट सेम पेंट आपको मिलेगा, नीचे जैसे मैंने आपको बताया विट्रीफाइड टाइल्स आपको मिलेगी। दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम्स में आपको जो है नीचे वुडन फ्लोरिंग कंपनी प्रोवाइड करा रही है। बेडरूम साइज़ आपके डिसेंट हैं। और वन मोर थिंग कि यहाँ पे हर बेडरूम के साथ में आपकी बालकनी है, तो कोई भी बेडरूम ऐसा नहीं है जिसमें बालकनी ना हो आपकी। 3 BHK विद 3 वॉशरूम है, जिसमें से एक वॉशरूम आपका कॉमन है और 2 अटैच हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। और वॉशरूम जो है कंपनी आपको एज इट इज़ देगी विद शावर क्यूबिकल एंड ऑल थिंग्स, जैसा आप ये देख रहे हैं। एंड दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम, इसके साथ में वॉशरूम नहीं है। इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया वुडन फ्लोरिंग कंपनी दे रही है आपको, बालकनीज मिल जाएंगी इसमें आपको, सेम आपका पेंट रहेगा वॉल्स पे,
बाकी इंटीरियर आप अपने हिसाब से करा सकते हैं, कंपनी ने कुछ एक डेमो ये आपको बना के दिखाया हुआ है। नाउ दिस इज़ द मास्टर बेडरूम एंड लुक एट द साइज़, काफ़ी बड़ा है, जिसमें एडिशनली कंपनी ने दो चेयर भी डाल के दिखाई हुई है कि भाई आप इतना स्पेस कंपनी आपको दे रही है इसके अंदर। नीचे इसमें भी आपको जो है वुडन फ्लोरिंग मिल जाएगी एंड इसके साथ में कंपनी आपको जो है अटैच बालकनीज़ हैं प्लस अटैच वॉशरूम है विद वॉक इन क्लोज़ेट। ये आपका वॉक इन क्लोज़ेट एरिया, यहाँ पे अलमीरा स्पेस आप अपना डिज़ाइन कर सकते हैं अलमीराज, एंड दिस इज़ द मास्टर वॉशरूम। और वॉशरूम फिटिंग्स भी आपकी कोलर और जगुआर की रहेगी। सो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑब्वियसली गोदरेज जो है अपनी क्वालिटी मेंटेन करता है हमेशा। एंड लुक एट द बालकनी साइज। सो फ्रेंड्स नाउ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि एग्जैक्टली इसका क्या कंस्ट्रक्शन स्टेटस है, क्या कनेक्टिविटी। तो ये मेन रोड से इसकी जो है ये एग्जैक्टली कनेक्टिविटी है, जैसा मैंने आपको बताया बैंगन रोड का ये प्रोजेक्ट है। एंड ये जो टावर्स आपको सामने कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है, दिस इज़ गोदरेज नेचर प्लस, मतलब इसी प्रोजेक्ट के अंदर में दो जैसे मैंने आपको बताया पार्ट्स हैं सेरेनिटी एंड गोदरेज नेचर प्लस। तो आपका ये नेचर प्लस का पार्ट है जिसमें आपके 7 टावर्स हैं और 7 के 7 आपके कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। सिर्फ एक टावर है जिसकी कंस्ट्रक्शन मिड ऑफ में है, बाकी सारे टावर्स के आपके जो है स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। 24 स्टोरीज की बिल्डिंग है एंड ऑलरेडी आप ये देख रहे हैं कि ये सारी आपकी कंप्लीटेड है टावर 1 to टावर 7 तक, एंड बाकी जो टावर्स हैं वो अभी जस्ट स्टार्ट होंगे यहाँ पे। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो बनाने का बेसिक पर्पस जो है वो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का है, बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो दिल्ली एनसीआर से बाहर से बिलोंग करते हैं और डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से पर्सनली विजिट नहीं कर पाते हैं। सो वी जस्ट वॉन्ट टू प्रोवाइड यू मोर एंड मोर करेक्ट इन्फॉर्मेशन सो दैट कि आप एक सही डिसीजन ले सकें और आपका टाइम एंड एफर्ट सेव हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड